यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम पार्ट टू में वही चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट आठ, वायु और जीवन. कि वायु विभिन्न कारणों से प्रदूषित होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वायु. आज वो कारण देखेंगे हम कि किन किन कारणों से जो है वायु प्रदूषित होती है. ठीक है, कारखानों का धुआं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थ. अवशिष्ट पदार्थ मैंने आपको बताया था जो कारखानों से, मतलब काम के जो निर्माण की है वस्तु कर ली, ठीक है, उससे जो बचे हुए पदार्थ, जो वेस्टेज है ना, मटेरियल जो निकलते हैं, वेस्टेज मटेरियल यानी बचे हुए पदार्थ जो भी निकलते हैं खराब, जो वो क्या करते हैं, वायु को दूषित करते हैं. तो कारखानों का धुआं व उनके अवशिष्ट पदार्थ स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियों और रेल गाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें. विषाक्त मतलब जहरीली, विष मतलब जहर होता है, विष है ना, तो विषाक्त गैसें मतलब जहरीली गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है. पर्यावरण को संतुलित बनाने तथा मानव जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है कि वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए. तो इसमें क्या बताया आपको कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों ओर आसपास का जो वातावरण है ना, हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण वही पर्यावरण होता है. तो इसको एकदम संतुलित बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए और हम हमारे जीवन की रक्षा के लिए क्या करना जरूरी है कि कैसे न कैसे इस वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, ठीक है, इसको रोका जाए कि वायु बिल्कुल दूषित ना हो, खराब ना हो. यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, एक व्यक्ति के करने से ये कार्य नहीं होगा, हम सबको साथ में मिलकर सहयोग देंगे तभी ये काम संभव होगा. इसके लिए संपूर्ण मानव जाति और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे, यानी एक जने के आगे बढ़ने से इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, कुछ प्रयास संभव ही नहीं है. तो मिलकर जब ये प्रयास किए जाएंगे तभी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है. कौन कौन मिलेंगे, हम सभी मानव और सरकार इसके लिए प्रयास करें तभी ये संभव हो सकेगा. वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफी दूर खोला जाना चाहिए. दूर मतलब यानी जहाँ शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, आसपास घर है, स्कूल है, मतलब भीड़ वाली जगह ज्यादा है, जहाँ लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी जगह पर कारखाना नहीं होना चाहिए. स्कूल में कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब यहाँ अगर पास में कारखाना होगा तो उसका धुएं से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा, जिससे कितने बच्चों को नुकसान पहुंचेगा, है ना. तो इसके लिए क्या जरूरी है कि दूर कहीं, मतलब खाली जगह में, कहने का मतलब है जहाँ एकदम जगह क्या है, खाली हो, दूर हो, शहर से बहुत दूर हो, ऐसी जगह पर क्या है, कारखाने बनाने चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए. जो पतली पतली चिमनियां बनी होती है गोल गोल, उनको इतना ऊंचा बनाओ कि जो धुआं है वो ऊपर ऊपर ही निकल जाए, मतलब यहाँ नीचे नीचे नहीं फैले. क्योंकि धुआं, धुआं क्या है, धुएं का काम क्या होता है, ऊपर उठना, ऊपर उठना होता है. यानी जितनी ऊंची चिमनियां होगी तो उससे ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के क्या है, बादलों की तरफ ही जाएगा, वो वापस नीचे तो नहीं आएगा. और नीचे हम लोग होते हैं, तो अगर चिमनियां नीचे होगी तो धुआं भी क्या आसपास नीचे ही फैला रहेगा, और नीचे फैलने से क्या हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें बीमारियां होगी, है ना. तो इसलिए चिमनियां जो है बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बनानी चाहिए. कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके, जैसे अपने देखा होगा कहीं गंदा पानी होता है नहरों का, और तो फिल्टर करके उसको शुद्ध किया जाता है ना, तो इसी तरह कोई ना कोई रासायनिक क्रिया ऐसी की जानी चाहिए. जैसे पानी को शुद्ध किया जाता है, गंदे पानी को फिल्टर द्वारा या किसी फिटकड़ी डाल के या कैसे भी, अपने कुछ ना कुछ उपाय होता ही है शुद्ध करने का. तो वैसे ही क्या है, अवशिष्ट पदार्थ जो कारखानों से निकले हुए वेस्ट मटेरियल है, तो उनको भी शुद्ध करने के लिए कोई रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या करना चाहिए, उनको खराब होने से बचाना चाहिए, तो उपयोग में लाया जा सकता है. यानी
फिर से क्या है वो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, तो उनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके क्या है फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है ना, मैंने बताया था जैसे पानी को फिल्टर लगा शुद्ध किया जाता है, तो कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनको क्या है कारखानों में ही ऐसी कोई फिल्टर रासायनिक क्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले, ये सब क्या है, ये सब हम जो वाहन चलाते हैं है ना, तो उन वाहनों को चलाने के लिए उनमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सब क्या है उपयोगी चीजें हैं जिनसे क्या है वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती है ना, तो स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। कम क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा क्या है धुआं फैलता है और जो सांस लेने में हानिकारक होता है, तो उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चले, विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली है ना, बिजली से चले। इस प्रकार वायु में सल्फर व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। क्यों? क्योंकि देखो पेट्रोल और इनके धुएं से क्या है हमारे वातावरण में वायु में जो है सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनके धुएं से, जो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। और पेड़ पौधे होते हैं वही इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो यदि पेड़ पौधे कम होंगे और फिर इसके इसके अलावा ऐसे गाड़ियां ज्यादा चलेगी तो उस धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा फैलेगी और इससे क्या होगा इन विषैली गैसों यानी इन जहरीली गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा हमारे आसपास चारों ओर बढ़ती जाएगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया था कल आपको कि जनसंख्या वृद्धि भी एक मोस्ट मतलब कारण है बहुत ही बड़ा जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। कैसे? क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो निरंतर क्या है उनको रहने के लिए आवास चाहिए, जगह चाहिए, तो रहने के लिए जगह चाहिए तो वो क्या करेंगे फिर खाली जगह उनको मिलेगी नहीं, तो निरंतर क्या है धीरे धीरे पेड़ों की कटाई करेंगे और वहां अपना मकान बनाने लग जाएंगे, क्योंकि रहने के लिए तो उनको मकान तो बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे निरंतर क्या इससे जंगलों की भी कटाई होती जा रही है, तो इससे पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो पेड़ पौधे कटने से तो अपने आप ही वायु प्रदूषण बढ़ना है ना, घटेगा नहीं इससे, तो क्योंकि ज्यो ज्यो जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोग वन काट कर कृषि योग्य भूमि पर आवास बनाते जा रहे हैं। पहले आप लोग देखते थे कि खेत कितने ज्यादा होते थे, खेतों में फसलें खेत, लेकिन अब क्या है लोग रहते भी वही है तो थोड़ी दूर में तो वो अपना घर बनाते हैं। पहले तो गांव अलग होता था और गांव से खेत जाते थे तो खेत अलग होता था, अब तो खेत में भी लोग घर बनाने लग गए क्योंकि वहीं रहना करना और वहीं फसलें पैदा करना, तो आधी जगह में वो फसलें पैदा करते हैं और आधी जगह में अपना घर बना लेते हैं, तो इससे पेड़ पौधे आधी जगह में लगेंगे ना, हरियाली जो होगी है ना वो आधी जगह में होगी, आधी जगह में वो खुद रहने लग गए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। और कुछ लोग खेती करना चाहते ही नहीं है तो वो क्या करेंगे वो ऐसे कारखाने बनाएंगे है ना, उद्योग धंधे अपने नए विकसित करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, जो जनसंख्या बढ़ेगी उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा सबको, तो इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को चाहे जाने अनजाने में बढ़ा रहे हो लेकिन बढ़ रहा है जनसंख्या वृद्धि से। वायु प्रदूषण का रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। हम अपनी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ पौधे उसे ग्रहण करके हमारे वातावरण को संतुलित बना देते हैं, यानी हम मानव जाति हम कौन सी गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो जो अपनी जड़ द्वारा शोषित कौन करता है पेड़ उससे अपना भोजन तैयार करता है और उसके बदले हमें जो संतुलित वातावरण कैसे बनाता है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है, उसके बदले हमें क्या देता है ऑक्सीजन देता है जिससे हमारा वातावरण क्या है संतुलित बनता है अच्छा बनता है। अतः पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ मिलता है, पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त कर हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करते हैं, तो लाभकारी कौन हुए पेड़ पौधे। जन जन में यह
चेतना जागृत की जाए कि पेड़ पौधों को नहीं काटें, बल्कि नए पेड़ पौधे लगाएं, तभी मनुष्य का सुखद जीवन संभव हो पाएगा। यानी हमें जन चेतना, यानी हमें हर जगह जगह जाकर लोगों में ये चेतना, लोगों में ये समझ पैदा करनी होगी कि वो पेड़ काटे नहीं अधिक से अधिक, बल्कि पेड़ पौधों को लगाने में अपना सहयोग दे, जिससे क्या है वायु प्रदूषण कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा और उससे संबंधित जो बीमारियां हैं, यानी वायु के दूषित होने से श्वसन संबंधी कोई भी बीमारियां, सांस सांस से संबंधित, है ना, अगर वातावरण अच्छा होगा तो उससे क्या हमारा दिमाग भी शांत रहेगा, वरना वातावरण खराब होने से दिमाग में भी क्या हो जाती है, अशांति छा जाती है ना, धुआं धुआं से सर दर्द होने लगता है, हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता, तो इसलिए क्या है वायु का दूषित होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसको दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सभी लोगों में, सभी में क्या है यही समझ पैदा करनी चाहिए कि वो भी इस काम में अपनी भागीदारी दे। ओके, तो बताइए मनुष्य किसके बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, भोजन के बिना, पानी के बिना या वायु के बिना? वायु मतलब कि सांस, तो भोजन और पानी के बिना वो कुछ समय जीवित रह सकता है, लेकिन सांस लिए बिना वो जीवित नहीं रहेगा। पेड़ पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन। वायु प्रदूषण के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है, यानी वायु प्रदूषण जिससे हो रहा है, कारखानों से निकलने वाला धुआं, पेड़ पौधों का अधिक कटना या पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाना? ये सारे ही प्रदूषण के तत्व हैं, ठीक है, जो बढ़ा रहे हैं प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसकी मदद से रोका जा सकता है? एक जने के नहीं, सारी मानव जाति और सरकार यदि प्रयास करें, है ना, और पेड़ पौधे लगाए अधिक से अधिक, तभी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा वातावरण में तो इससे क्या होगा, चक्कर आते हैं, दम घुटता है, जी मिचलाता है, या सारे? तो इसमें होगा सारे, ये सारे ही प्रभाव पड़ते हैं जब वायु दूषित होती है। ओके,